ये है सीबीटी सीरीज का दूसरा वीडियो और जैसा कि मैंने कहा था दूसरा वीडियो डिप्रेशन पे होगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और दुनिया में 10 में से 7 लोगों को डिप्रेशन होता है। और इंडिया की अगर बात करें तो हाल ही में ये पता चला एक सर्वे में, इंडिया में ऑन एन एवरेज 10 में से 9 लोगों को डिप्रेशन होता है और अधिकतर लोगों को पता भी नहीं है कि डिप्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगी कि डिप्रेशन और उदासी में फर्क है। आजकल हम लोग अपनी बातों में बहुत ही कैजुअली ये सब बोलने लग गए हैं कि अरे यार आज तो मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ, आज तो मेरा दिन ही डिप्रेसिंग था। पर जब हम डिप्रेशन को अपनी बातचीत में इतना कैजुअली बोलने लग जाते हैं तो जिन लोगों को एक्चुअली डिप्रेशन है उन्हें ये चीज समझने में प्रॉब्लम होती है कि डिप्रेशन उन्हें है या नहीं है। उन्हें लगता है कि वो भी बस उदास है, जबकि उदासी जानलेवा नहीं होती, डिप्रेशन जानलेवा है। उदासी एक मूड है। आज अगर मेरा किसी से झगड़ा होता है तो हो सकता है मैं उदास हो जाऊं, पर उदासी एक मूड है और डिप्रेशन एक बीमारी है। सो प्लीज 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 डिप्रेशन के बारे में पढ़ें, समझें कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन बहुत तरह का होता है, समझें कि डिप्रेशन के प्रकार क्या हैं, डिप्रेशन में लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं और डिप्रेशन के वक्त आप क्या कर सकते हैं। प्लीज़ 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 खुद को अवेयर बनाएं। इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अगर आपकी मानसिक सेहत का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे डिप्रेशन है तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें उन्हें किसी भी हालत में नहीं बोलनी है। तू ना ओवरथिंक कर रहा है, ये मत बोलिएगा, क्योंकि डिप्रेशन में इंसान को बहुत ही अकेला महसूस होता है। और जब हम उसे ये बोलते हैं ना कि यार तू पूरे टाइम रोता क्यों रहता है, तो हम उसे एक्चुअली ये बोल रहे होते कि देख कहीं और जाके रो, मेरे सामने मत रो। तो उन्हें और अकेला महसूस होता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि दुनिया में किसी को उसकी फिक्र ही नहीं है। और ये बहुत ही बुरी फीलिंग होती है और ये डिप्रेशन में फीलिंग इतनी पावरफुल हो जाती है कि सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम बताने से पहले भी दो बार सोचता है, क्योंकि उसका डिप्रेशन उसको कन्विंस कर लेता है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो बस एक छोटा सा काम करना है, उसको सुनना है, उसको ये भरोसा दिलाना है कि वाकई में किसी को उसकी पड़ी है। जब तक हम किसी को सुनेंगे ही नहीं, हमें समझ ही नहीं आएगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उन पे क्या बीत रही है। हो सकता है कि आपके पास उनकी प्रॉब्लम का सलूशन हो। कई बार डिप्रेशन इन चीज़ों से भी आता है कि जैसे वो किसी एग्जाम में फेल हो गए या फिर उनका किसी करीबी दोस्त से झगड़ा हो गया, तो इन सब चीज़ों का सलूशन बात करके निकल सकता है। तो दो चीज़ें ध्यान रखिए, उदासी और डिप्रेशन एक ही चीज़ नहीं है। उदासी मूड है, डिप्रेशन एक बीमारी है। उदासी एक दिन में चल जाएगी, डिप्रेशन को भगाना पड़ेगा पर वो भी चल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि डिप्रेशन तभी जाएगा जब हम किसी को सुनने के लिए तैयार होंगे। भले ही आपको डिप्रेशन नहीं है तो भी आप दूसरे को सुनिए। अगर आपको डिप्रेशन है तो आप मेरी सुनिए, अपनी साइकोलॉजिस्ट की सुनिए, पर प्लीज़ एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे की बात सुनिए, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। तो अगर ये दो चीजें क्लियर है तो अब मैं आपको बताती हूँ डिप्रेशन के लक्षण क्या है। पर इससे पहले हम डिप्रेशन के लक्षण पे बात करना शुरू करें, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगी कि कई लोग जिन्हें डिप्रेशन होता है वो इनमें से एक भी साइंस नहीं दिखाते, क्योंकि डिप्रेशन सबके लिए अलग अलग तरह का होता है। डिप्रेशन में सबके लिए अलग अलग साइन होते हैं, तो इसीलिए ये कॉमन साइंस तो सुनिएगा पर साथ ही साथ आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, उनसे बात करते रहिए, तभी आपको समझ आएगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर आप ये कोई भी साइन देखते हैं तो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए। सबसे पहले तो डिप्रेशन में इंसान या तो एकदम से बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है या बहुत कम खाने लग जाता है, और ये आप उनके वेट में भी देख सकते हैं। अगर उनका सडनली वेट बहुत बढ़ गया है या उनका वज़न एकदम ही कम हो गया है तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है दया। दूसरी चीज़, डिप्रेशन में आदमी प्रॉपरली सो नहीं पाता, तो या तो वो बहुत ही कम सोएंगे, मतलब अगर वो पहले 6 से 8 घंटे सो रहे थे और 6 से 8 घंटे सोना हेल्दी है, पर सडनली वो 2 घंटे सो रहे हैं या फिर सो ही नहीं पा रहे हैं, इंसॉम्निया जिसे कहते हैं, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा सो रहे हैं, तो चिंता करने की बात है।
तीसरी चीज, डिप्रेशन में इंसान का इंटरेस्ट खोने लग जाता है. तो मतलब जो चीजें उन्हें पहले इंटरेस्टिंग लगती थी, अब उन्हें वो करने का मन भी नहीं होता. जैसे अगर वो लिखते थे, पेंट करते थे, उन्हें ये सब करने का मन नहीं होता. और ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि पहले वो इंटरेस्ट किसी एक चीज से जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके डिप्रेशन में वो हर चीज से वो इंटरेस्ट हट जाता है, और अल्टीमेटली उनका जिंदगी में ही कोई इंटरेस्ट नहीं रहता. उन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी भी फालतू है और जीने लायक नहीं है. डिप्रेशन जब आता है तो इंसान का इंटरेस्ट हर चीज से चला जाता है, और ऐसे में आप एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेंबर उनकी मदद कर सकते हैं वो इंटरेस्ट वापस लाने में. चौथी चीज, डिप्रेशन में इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आता है. मतलब पहले वो इंसान बहुत ही हंसमुख, बहुत ही फ्रेंडली था, और अभी आजकल उसको बहुत ही छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है. मतलब जो चीजें आपने करी भी नहीं है उन पे भी अगर गुस्सा आ रहा है, तो यानी कि गड़बड़ तो है और आपको उनसे बात करनी चाहिए. डिप्रेशन में इंसान अंदर से बहुत ही खाली महसूस करता है, और उसके अंदर का ये जो खालीपन होता है, वो सोचता है कि बाहरी दुनिया की चीजों को अगर वो इकट्ठा कर ले तो ये खालीपन चला जाएगा. तो अगर आप देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा ही आजकल शॉपिंग करने लग गया है, या फिर वो पहले ड्रिंक स्मोकिंग नहीं करते थे पर अब उन्होंने ये सब चालू कर दिया है, या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब वो ऐसी कोई चीज़ है जो एक्सट्रीम में कर रहे हैं जो वो पहले करते नहीं थे, तो प्लीज़ उनसे इस बारे में बात कीजिए. सब्सटेंस अब्यूज़ डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा साइन है. जब लोग अंदर से ना खुश होते हैं तो वो बाहरी दुनिया में खुशी ढूंढने निकल जाते हैं, और जब उन्हें वहाँ भी खुशी नहीं मिलती तो वो खुद को नुकसान पहुँचाने की सोचते हैं. जब शुरू में ये थॉट्स आने लगते हैं तो हो सकता है कि वो इंसान इन पे एक्ट ना करे, क्योंकि अभी उसका डिप्रेशन कम है. पर वक्त के साथ साथ डिप्रेशन बढ़ सकता है और हो सकता है कि वो खुद को नुकसान पहुँचाने लगे. तो अगर आप अपनी दोस्त की बातें सुनकर ये समझ पा रहे हैं कि आजकल वो खुद को नुकसान पहुँचाने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए, समझिए वो किस स्थिति में हैं, और CBT के थ्रू उनकी मदद कीजिए. पर जैसा कि मैंने आपको डिप्रेशन के लक्षण बताने से पहले शुरू में ही बोल दिया था कि सब में ये लक्षण नहीं दिखेंगे. डिप्रेशन बहुत तरह का होता है और बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर हंस खेल रहा है, खुश दिख रहा है, तो उसे डिप्रेशन नहीं है. हो सकता है उसे वो छुपाना आ गया हो. और क्योंकि इन लोगों में ये बाहरी साइंस नहीं दिखते, इसलिए इनमें डिप्रेशन ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है. इसीलिए लोगों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों में ये चीज़ें पकड़ में नहीं आती, पर अगर आप उस इंसान को जानते हो तो आप एकदम से कह सकते हो कि यार आजकल तो थोड़ा ऑफ सा लगता है, कोई बात है क्या. पर अगर आप उस इंसान को जानते ही नहीं हैं, आपने उससे सालों से बात नहीं की, तो एकदम से उनके व्यवहार में जो छोटे मोटे बदलाव आ रहे हैं उन्हें देख पाना बहुत मुश्किल होगा. और जब हम पकड़ पाते हैं कि सामने वाला कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, तब हम उनको ठीक करने की शुरुआत कर सकते हैं. तो प्लीज़ 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 अपनी जान पहचान वाले लोगों से जुड़े रहें. जो लोग आपकी ज़िंदगी में मैटर करते हैं उनसे लंबे समय तक बात किए बिना ना रहें. उन्हें मत भूलिए, उनसे बात करिए, उनसे जुड़े रहिए. आजकल तो जुड़े रहने के भी 100 साधन हैं. प्लीज़ लोगों से पूछते रहिए कि वो कैसे हैं, शायद कभी ना कभी वो आपको सच में बता दें कि वो ठीक नहीं है. शुरू करते हैं डिप्रेशन की CBT. सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है. डिप्रेशन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स. ये चीज़ें वैसे भी अच्छी नहीं है. वैसे आपको आपकी डाइट में प्रोटीन्स और विटामिन रिच चीज़ें बढ़ानी है, और शुगरी स्टार्ची चीज़ें कम करनी है जिनमें चीनी या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो. तो प्लीज़ 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 अपनी डाइट से चावल थोड़े कम कर दीजिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं तो वो भी कम कीजिए. इसका एक रीज़न है, क्योंकि शुगर जो है आपको टेम्प्ररी हैप्पीनेस देता है, पर इन द लॉन्ग रन शुगर एक डिप्रेसेंट का काम करता है, जिससे आपके माइंड में हैप्पीनेस हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है. हैप्पीनेस हार्मोन की प्रोडक्शन कम होने से भी डिप्रेशन हो सकता है, और अगर आपको ऑलरेडी डिप्रेशन है तो हमें वो नहीं बढ़ाना चाहिए. दूसरी चीज़, आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स ऐड करने चाहिए, खासकर जैसे कि वॉलनट्स, शिया सीड्स.
ये दो ऐसी चीजें हैं जो उनको भी लेनी चाहिए जिन्हें डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि वॉलनट्स यानी कि अखरोट और शिया सीड्स यानी कि अरसी के बीज हमारी दिमागी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपको दिन में कम से कम एक कटोरी वॉलनट्स खा ही लेने चाहिए। तो अगर एक सेंटेंस में बोलूं, अच्छा खाना खाओ, मीठी चीजें मत खाओ, पर इसमें एक एक्सेप्शन है, डार्क चॉकलेट्स। और ये एक्सेप्शन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे चॉकलेट पसंद है, स्पेशली डार्क चॉकलेट डिप्रेशन में बहुत हेल्दी है। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी है और इससे आपके दिमाग में हैप्पीनेस हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो आपको दिन में कम से कम 18-30 grams डार्क चॉकलेट खानी चाहिए। दूसरी चीज़ जो कि आपको करनी है वो ये है कि आपको फिजिकली एक्टिव होना है, यानी कि आपको शारीरिक श्रम करना है। कोई भी अच्छा साइकोलॉजिस्ट आपको यही हिदायत देगा कि दिन में आपको 45 मिनट से लेकर एक घंटे के बीच में फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक्सरसाइज में भी रनिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, खासकर डिप्रेशन में, क्योंकि रनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके हैप्पीनेस हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ाती है। इसका एक रीज़न है। इंसान की अगर एवोल्यूशन हिस्ट्री देखें तो हम बंदरों से आए हैं। बंदर बहुत फिजिकली एक्टिव थे, बहुत लंबे डिस्टेंस भागा करते थे, और हमारे पूर्वज भी बहुत अच्छे शिकारी थे। वो खाना पानी की तलाश में बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल किया करते थे। ये रनिंग हमारे एवोल्यूशन का एक पार्ट बन चुकी है, तो अगर आप रनिंग करते हैं तो आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जागरूक होते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जागरूक होते हैं तो आपके ब्रेन के हार्मोनल लेवल्स भी अपने आप बैलेंस होने लग जाते हैं। तो अगर आप कोई और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम दिन में 45 मिनट माइल्ड रनिंग का प्लान बनाइए। तीसरी चीज़, ये काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, पर आपको फ़ोन कम यूज़ करना चाहिए। कई स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो लोग ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं उनकी मानसिक सेहत ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसका एक कारण भी है कि हम जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं उस पर हम पूरे दिन स्क्रॉल करते रह जाते हैं, और पूरा दिन स्क्रॉल करने के बाद हमें याद आता है कि हमें जो करना था वो तो हमने किया ही नहीं, तो हमने पूरे दिन किया क्या? मोबाइल पे बैठ के स्क्रोलिंग की है, तो ऑब्वियसली उससे ना ही आप खुश हैं, ना ही आपका काम हो रहा है, और कॉन्स्टेंटली आप खुद को अपने फ्रेंड्स की फोटोज से कंपेयर करते रहेंगे। तो सोशल मीडिया का यूसेज कम कीजिए, खासकर अगर आप डिप्रेशन में हैं तो। चौथी चीज भी फोन से ही रिलेटेड है। सोने से पहले आपको एक घंटे पहले फोन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपके फोन में ब्लू रेज होती हैं जो आपकी आईज को तो हार्म करती ही हैं और साथ ही साथ आपके स्लीपिंग पैटर्न को भी असंतुलित कर सकती हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि सोने से एक घंटे पहले आप अपने फोन को बंद करना चालू कीजिए, और यही सेम चीज लागू होती है जब आप उठते हैं। सुबह सुबह उठने के बाद एक घंटे तक अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कीजिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखा गया है कि आप अपने दिन का शुरुआती समय जिस तरह यूज़ करते हैं आपका पूरा दिन वैसे ही जाता है। तो अगर आप दिन की शुरुआत ही फ़ोन पे स्क्रॉल करते हुए करेंगे तो इसलिए उठते ही फ़ोन को हाथ मत लगाइए। ये सोचिए कि आज आपको क्या करना है, उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए और एक एक करके वो चीज़ें करते जाइए। ऐसा करने से डिप्रेशन में भी मदद होती है। डिप्रेशन में इंसान को ऐसा लगता है कि उसका कोई मकसद ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, पर अगर दिन की शुरुआत में उसने एक लिस्ट बना ली है जिसमें उसे पता है कि उसे आज के दिन में क्या क्या करना है, तो उसके पास उस एक दिन के लिए मकसद होगा, और ऐसा हर दिन अगर वो करेगा तो उसके पास रोज़ कोई मकसद होगा। डिप्रेशन में इंसान का चीज़ों से इंटरेस्ट चला जाता है, चीज़ें करने के लिए मोटिवेशन ही नहीं बचती, तो उस मोटिवेशन और इंटरेस्ट को वापस लाने के लिए एक घंटे फ़ोन मत उठाओ सुबह सुबह, और एक घंटे बैठ के सोचो कि आज पूरे दिन मैं क्या कर सकता या कर सकती हूँ। भले ही आपका मन हो या ना हो, पर ये चीज़ें आपको आज ही करनी है, तो आप उन चीज़ों को करने में इतना बिजी हो जाएंगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा, और ये डिप्रेशन में बहुत ज़रूरी है कि जिन चीज़ों से आपका इंटरेस्ट जाने लगा है उनको वापस लाया जाए। और एक और चीज़ है जो हमारे मम्मी पापा हमें ऑलरेडी बोलते आ रहे हैं,
टाइम से सो, टाइम से जागो। सिर्फ 8 घंटे की नींद काफ़ी नहीं है, हम सब की एक स्लीप साइकिल निर्धारित है। और इंसान की स्लीप साइकिल उल्लुओं वाली नहीं है कि हम 3 बजे सोएं और 1 बजे उठें। हमारी एक्चुअल स्लीप साइकिल वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम समझते हैं। हेल्दी तरीके से अगर बात की जाए तो आपको 8 बजे सो जाना चाहिए, फिर आपको 12 बजे उठना चाहिए, फिर 2 घंटे का ब्रेक लेकर 2 बजे वापस सोना चाहिए और 6 बजे उठना चाहिए। कायदे से हमें हमारी नींद को 4 घंटे के 2 पार्ट्स में बांटना चाहिए, पर आजकल मॉडर्न अर्बन लाइफ इस तरीके की हो गई है कि 8 बजे सोना पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि आप 10 बजे सो जाइए। चलिए 10 बजे भी नहीं होना तो 11 बजे सो जाइए और 7 बजे उठिए। तो प्लीज़ 11 बजे सो जाइए, 7 बजे उठिए। एक प्रॉपर स्लीप साइकिल होने से भी आपकी मानसिक स्थिति पे बहुत फर्क पड़ता है और आपका साइकोलॉजिस्ट भी आपको यही सजेशन देगा। अब ये चीज जो है ये शायद आपको थोड़ी पसंद आए, आपको हफ्ते में 1 दिन निकालना है और वो दिन आपको पूरा कुदरत को ही देना है। पहाड़ों पे जाइए, ट्रैकिंग करिए, हाइकिंग करिए, या फिर किसी तालाब के पास जाके बैठ जाइए। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि ह्यूमन ब्रेन जब कुदरत के पास होता है तब ज़्यादा खुश होता है, तब आपके हैप्पीनेस हॉर्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो हफ्ते में वीकेंड के दिन या कोई भी दिन आप चूज़ करिए और उस दिन आपको किसी भी हालत में नेचर में जाना है। और हो सकता है कि आप किसी सिटी में रहते हो जहां आसपास कोई झरना तालाब ना हो, तो कम से कम आप डेली किसी पार्क में जा सकते हैं। खुद को ग्रीनरी से सराउंड कीजिए और आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आप पहले से काफ़ी बेहतर फील करने लगेंगे। आपको हर हफ्ते अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, यानी कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स लिखने हैं। और आपको ये देखना है कि आपकी वीकनेस यानी कि आपकी कमजोरियां आपकी स्ट्रेंथ्स में बदलती जाएं और आपकी थ्रेट्स आपकी अपॉर्चुनिटीज में बदलती जाएं। मैंने स्वॉट एनालिसिस को मेरे CBT फॉर OCD वाले वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो प्लीज़ वहाँ जाके देखिए कि स्वॉट एनालिसिस कैसे करना है। डिप्रेशन में इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में कोई गोल या कोई पर्पज़ ही नहीं है, तो आपका सबसे पहला गोल तो खुद पे काम करना ही है। तो अपनी वीकनेसेस को आप स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कीजिए और थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज़ में। डिप्रेशन में आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आपको कोई भी एक चीज़ पकड़नी है, लिखिए, गाइए, डांस कीजिए, तहरिए, कोई भी एक ऐसी चीज़ पकड़िए जिससे आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सकें। और ज़रूरी नहीं है कि आप वो कोई चीज़ पकड़ें, आप अपने किसी दोस्त से जाके बात भी कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, जो भी आप सोच रहे हैं उसको कहीं लिखिए। और मेरी साइकोलॉजिस्ट ने मुझे ये बताया था कि वो अपने पेशेंट्स को कहते हैं उनके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स है उन्हें कागज़ पे लिखें, उस कागज़ को एकदम टाइटली मरोड़ के जला दें। आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, पर मेन चीज़ ये है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, किसी से बात करें, किसी को बताएं या फिर लिखें। बस ज़रूरी ये है कि हर वक्त आप समझें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर आपके दिमाग में बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो प्लीज़ किसी को जाके बताइए, उनसे बात कीजिए, खुद को हर टाइम एक्सप्रेस कीजिए। शुरुआत में हो सकता है कि आपको किसी और से बात करने में कुछ समस्या हो, या फिर हो सकता है कि आपका किसी से बात करने का मन ही ना करे, तो आप शुरू में लिख सकते हैं। पर हाँ, आप धीरे धीरे लोगों से बात करना चालू कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि आपके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं, और जितना ज़्यादा आप करेंगे आप उतना ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। आपको अपने ख्यालों को बस खुद के अंदर नहीं रखना है। और आधे टाइम तो डिप्रेशन इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम अपनी बात बोल ही नहीं पाते, तो जितना आप ज़्यादा बोलेंगे उतना ही फ़ायदा है। और अब आती है एक मैजिक ट्रिक। दिन में, हर दिन में आपको सोने से पहले रात को 3 चीज़ें ऐसी बोलनी हैं जो आज आपके साथ अच्छी हुई। अब वो कुछ भी हो सकता है कि आज मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आए,
आज मैंने बहुत अच्छा बर्गर खाया, कुछ भी हो सकता है। तीन चीजें जो आज आपके दिन में अच्छी हुई और जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, वो तीन चीजें आपको रोज खुद को बोलनी है और ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना है। एक भी दिन मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके माइंड को नई आदतें बनाने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। इस एक्सरसाइज के थ्रू हम अपने माइंड को रीफ्रेम कर रहे हैं। डिप्रेशन में नेगेटिव थॉट्स इतने आ जाते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स आ ही नहीं पाते, तो अब हमें फोर्सफुली हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं। चाहे से दिन के तीन ही हो, पर धीरे धीरे अपने माइंड को पॉजिटिव सोचने के लिए फ्रेम कीजिए और आप देखेंगे इससे भी आपका मूड, आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव होते जाएंगे। पर अब आती है सबसे काम की बात, तो सुनो सुनो सुनो। अब ये सजेशन है उन लोगों के लिए जिन्हें खुद डिप्रेशन नहीं है पर वो किसी को जानते हैं जिसे है। प्लीज़ 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 उनसे लगातार उनका हालचाल पूछते रहिए। डिप्रेशन बता के नहीं आता और ना ही उसकी कोई साइकिल है कि आज कम होगा कल ज़्यादा होगा। हो सकता है कि जिस एक दिन आपने उनका हालचाल नहीं पूछा वही दिन सबसे ख़राब था। तो प्लीज़ कॉन्स्टेंटली लोगों से टच में रहिए, उनसे बात कीजिए। हाँ, ऑब्वियसली वो पहली बार में ही आपको सब कुछ नहीं बताएंगे, पर अगर आप उनसे लगातार जुड़े रहेंगे तो शायद वो आपको किसी दिन तो बताएंगे, और नहीं भी बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आज सही नहीं है क्योंकि आपने उन्हें इतने दिन से देखा है। अक्सर डिप्रेशन अपने आप नहीं जाता, उसे भगाना पड़ता है। उनको आप डिस्ट्रैक्ट कीजिए, पर उन्हें ये मत बोलिए कि इस बारे में मत सोच। आप ऐसा कुछ करिए कि वो उस बारे में ना सोचे। उनसे मिलिए, उनके साथ बाहर घूमिए, उनके साथ खेलिए, हंसी मजाक कीजिए। उनको हर वक्त बस ये फील कराना है कि वो अकेले नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो पूरे टाइम नेगेटिव हैं, तो प्लीज ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त वाकई वो एक बहुत बुरी बीमारी से लड़ रहे हैं, जिस बीमारी में कई लोग मर भी जाते हैं। तो प्लीज़ उन्हें उस लेवल पर पहुंचने से बचाइए। एक अच्छे दोस्त बनिए, उनको समझिए। और मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा मदद कर पाना पॉसिबल होता है, पर हमेशा सुन पाना पॉसिबल होता है। और डिप्रेशन में हमें बस सामने वाले को यही बताना है कि वो अकेला नहीं है और इस दुनिया में एक ही सही पर कोई है जो उसकी वाकई में फिक्र करता है। तो डिप्रेशन से बड़ी मुसीबत इंसान के लिए कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त वो बहुत अकेला होता है। और अच्छे दोस्त हो तो मुसीबत में काम आओ। अकेलापन ही डिप्रेशन की सबसे बड़ी ताकत है। वो सक्सेसफुल हो जाता है आदमी को अकेला महसूस कराने में, और हमें उसी चीज को रिवर्स करना है। तो जितना हो सके लोगों के करीब आइए, उनसे जुड़िए। और डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। जिन लोगों को पता है उन्हें डिप्रेशन है, उनकी मदद करना फिर भी आसान है, पर आपके आसपास कई लोग हो सकते हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि वो डिप्रेस्ड हैं। तो इसीलिए एक दूसरे के टच में रहिए, बात करते रहिए। अगर आप सालों साल किसी से बात नहीं करेंगे तो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि उनकी अंदरूनी स्थिति कैसी है। एक दूसरे से बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। और अगर आप किसी अनजान इंसान से भी मिलते हैं, हम कम से कम ये कर सकते हैं कि हम सबकी ज़िंदगी अपने लेवल से थोड़ी और आसान बना सकें। तो प्लीज़ 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 थोड़ी सी और काइंडनेस रखिए। और ये वाली बात मुझे उनसे करनी है जिन्हें खुद डिप्रेशन है, या फिर जिन्हें वीडियो देख के लग रहा है कि यार मुझे तो नहीं है कहीं। तो अगर आपको डिप्रेशन है भी, तो एक चीज़ बता दूँ कि ये टिक नहीं पाएगा। आपका डिप्रेशन आपसे ज़्यादा मजबूत नहीं है। मैं जानती हूँ कि कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि दुनिया बहुत ख़राब है, ज़िंदगी में कोई मतलब ही नहीं है, और अभी जो आप ये ब्लैक स्क्रीन देख रहे हैं, आपके अंदर भी इतना ही अंधेरा है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने दुनिया जितनी भी देखी या समझी है, अगर आपके पास जीने की कोई भी वजह नहीं है तो इस दुनिया के लिए जियो। हमें बहुत ही सुंदर दुनिया मिली है। इतनी जल्दी हिम्मत हार के कोई ऐसा फैसला मत लेना कि बाद में तुम्हें ये दुनिया देखने का मौका ही ना मिले। इस दुनिया में बहुत कुछ है देखने लायक। थाईलैंड में एक टापू है जहाँ पे दुनिया का सबसे खूबसूरत सनसेट होता है। आइसलैंड में काली मिट्टी वाले बीच हैं।
नेदरलैंड्स में पूरी जमीन पे रंग बिरंगे फूल होते हैं, वियतनाम में बड़ी बड़ी गुफाएं हैं समुंदर के बीचों बीच, इंडिया में हिमालयाज हैं और हिमालय में क्या नहीं है, बहुत कुछ इस दुनिया में। और अगर तुम्हें लगता है कि लोग खराब है तो नहीं, लोग तो दुनिया से भी ज्यादा सुंदर हैं। ऐसे कितने ही अच्छे लोग हैं, दयालु लोग हैं, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं जिनसे अभी तुम मिले भी नहीं। अगर और किसी चीज पे भरोसा नहीं है तो बस उन लोगों के लिए जी लो जो बहुत खूबसूरत हैं, जो तुम्हें डिजर्व करते हैं, शायद जिनके लिए तुम्हें बनाया गया है। इतना जल्दी हार मत मानो। मैं ये नहीं कह रही कि आज के बाद जिंदगी में कुछ खराब नहीं होगा, होगा, पर जिंदगी फिर भी बहुत खूबसूरत है। एक बार रुको और थोड़ा देखो तो। इन CBT वीडियोस से मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। अगर ये CBT वीडियोस से आपकी मेंटल हेल्थ बेटर हो रही है तो बहुत बढ़िया यार, और नहीं हो रही तो भी क्या हो गया। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, हमारे पास बहुत मेडिकल ऑप्शंस हैं। अगर आपको किसी डॉक्टर की मदद लेनी पड़ रही है कोई बात नहीं है, बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ज़िंदगी एक ही बार मिली है और इस दुनिया में इतना कुछ है करने को कि इतनी जल्दी नहीं जा सकते यार हम। ये जो हमारे दिमाग में काली स्क्रीन है जिसमें कुछ नहीं है, ब्लैंक, डार्क, ये शायद उतनी भी काली नहीं है।